तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। टीम्स बनती हैं और टीम्स टूटती हैं, एंड इट इज फाइन इन ई स्पोर्ट्स। जहां इतना कंपटीशन है, हम वहां टाइम के साथ और बेहतर होना चाहते हैं। इमोशन से ऊपर टीम बेनिफिट्स को रखते हैं, बट इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम अलग हों तो उस एंडिंग को एक अच्छे नोट पे खत्म करें। हमेशा टीम्स टूटने के बाद एक दूसरे की गलती निकालने का सिलसिला चलता है। हम अपनी नजर में हमेशा सही होते हैं और दूसरा गलत। टीम टूटने के बाद ऑडियंस को एक दूसरे की गलती बताने से अच्छा है कि हम बोल दें कि साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था। इससे दोनों के राज दोनों के पास ही रह जाएंगे। बिकॉज अगर आप अपना पॉइंट प्रूफ करने मैदान में उतर जाते हो, तो हो सकता है कुछ हद तक कर लो, बट अपने मैच्योर फैंस के मन में कुछ रिस्पेक्ट खो दोगे। यूट्यूब कोई सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं, जहां फैसला आएगा कि ये सही है ये गलत। कुछ ऑडियंस एक को सही मानती है, कुछ लोग दूसरे को, लेकिन ऑडियंस का ओपिनियन इमोशन बेस्ड होता है। आफ्टर ऑल कंक्लूजन ये है कि इन कॉन्ट्रोवर्सीज का कोई भी एंड रिजल्ट नहीं है। शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वो सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट आइकोन की तरफ से। तो आइकोन ने ओल्ड इलीट के साथ रिलेशंस के बारे में बात की है। इमोशनल वगैरह वो सब बताने की बातें होती हैं भाई, ये पता नहीं यार, अब देखते हैं सच्चाई कितनी है उस बात में, मुझे तो नहीं पता। गेम के बाहर तो दोस्त हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ, गेम के बाहर मेरी जोंटी आई से बहुत अच्छी बात होती है, और हम आपस में बहुत एंजॉय करके आए हैं। अभी आपस में खूब उठ बैठ रहे थे, बातें कर रहे थे, तो उनसे कुछ नहीं है यार। गेम के बाहर सब अच्छे हैं भाई, बट गेम तक जो होता है ना, उसको बाहर ले आते हैं ना रियल लाइफ में, तो वो चीज़ बेकार लगती है। गेम के बाहर तो अच्छे से बातें होती हैं काफ़ी, बहुत। गेम के बाहर तो सब पहले जैसा है यार, ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि अपनी लड़ाई हुई या टूटे, अपन टीम टूटी, ऐसा कुछ। हाँ सब दोस्त हैं यार। अगली अपडेट है रूटर के फाउंडर की तरफ से। तो उन्होंने द रणवीर शो में बताया है कि गेमिंग कैसे हेल्प करती है ग्रोथ में। जो हुआ आज के रेट में, या ऐसे कई सारे गेम है, माइनक्राफ्ट इज आल्सो वन ऑफ द गेम्स, जिसमें क्या हो गया है कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए उनको ये गेम हेल्प कर रहा है। मतलब ये एक पार्लेंस बन गया है, ये एक कनेक्शन बन गया है किड्स के बीच में। और सबसे अच्छी बात क्या है गेमिंग और किसी और तरीके के कंटेंट कंजम्पशन में, कि गेमिंग इन जनरल इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोथ। मतलब एक मैंने बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी लियांडर पेस के बारे में। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। उन्होंने कहा था कि 1970s में जब वो, या 80s में जब वो टेनिस सीख रहे थे, सॉरी मैं मे बी डेट मेरा गलत हो, बट बेसिकली उन्होंने कहा कि जो उनके जो फादर थे वी सी पेस, वो उनको हर दिन पैसा देते थे जाके गेमिंग पार्लर में गेम खेलने के लिए। और उनका ये कहना था कि जितना आप गेम खेलोगे आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। सो ही सेड कि मेरा हैंड आई, बिकॉज वो डबल्स खेले ज़्यादातर अपने करियर में, और डबल्स में आपका रिएक्शन टाइम इज़ वेरी लेस, बिकॉज मतलब दो लोगों के अगेंस्ट आप खेल रहे होते हो। उन्होंने कहा मैंने मेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन बना ही उस रीज़न की वजह से कि मैं तब गेमिंग करता था जब दुनिया में कोई नहीं करता था। सो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी गेमिंग, माइनक्राफ्ट ले लो या रोब्लॉक्स ले लो या कोई भी गेम ले लो, उसमें आपकी मेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, किड्स की मेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। और कहीं ना कहीं गेमिंग एक रीज़न है वाई ये किड्स बहुत स्मार्ट हैं हमसे। और मतलब मैं अपने 7 साल के बेटे से भी कभी बात करता हूँ, तो मुझे लगता है उसको कुछ ज़्यादा पता चल गया, काफ़ी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता थी। तो ये एक है, मतलब गेमिंग का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो बच्चों को स्मार्ट बना रहा है। अब बढ़ते अगले सेक्शन पे, जिसका नाम है फ्री फायर मेमोरीज, और आज इसमें फीचर हुए हैं 4 अननोन्स। इनकी शानदार कहानी हम रॉकी भाई से सुन चुके हैं, बट क्यों ना पुरानी यादें ताजा की जाए। स्वस्तिक के ऊपर कैमरा जाएगा, प्लीज स्वस्तिक के ऊपर कैमरा ले लीजिए, क्योंकि मैं कुछ कहना चाहता हूँ स्वस्तिक के बारे में। तो गाइज, दो खिलाड़ी हुआ करते थे, एडी और विजार्डो। तो जैसा कि आप जानते हैं, एडी इक्वल्स टू स्वस्तिक और विजार्डो इक्वल्स टू आनंद। आप दोनों को पता नहीं होगा, बट ये दोनों सगे भाई हैं, बड़े छोटे, महाराष्ट्र से आते हैं, एंड ये अज्जू भाई के साथ परमानेंट खेला करते थे। बट जब बुया ऐप नया नया आया था, तो एक टूर्नामेंट में ये लोग खेलने गए थे,
और वहां पे जो है इनकी आईडी जो है एक आईडी पे रेस्ट्रिक्शन लग गया था, और वो रेस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं लगा था कि इन्होंने हैक यूज़ किया था, इनके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगा था क्योंकि इन्होंने गलती से किसी हैकर के साथ खेल लिया था। तो इस वजह से ऑब्वियस ही बात है कि काफ़ी टोटल गेमिंग का नाम खराब हो सकता था। तो उस वजह से जो है एडी और स्वस्तिक जो हैं बिल्कुल ही सर्वर में ओझल से हो गए, डिप्रेशन में भी आ गए थे दोनों खिलाड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वहाँ पे इनका हाथ थामा डेड सोल ने और उसके बाद गाइज इन्होंने पलट के नहीं देखा। फोर अननोन नाम की एक टीम बनी। फोर अननोन का मतलब ही ये था कि चार ऐसे खिलाड़ी जिनको सब ने देखा है लेकिन कोई नहीं जानता। भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर के साथ खेल चुके हैं ये, लेकिन फिर भी इनको कोई नहीं जानता। तो ये जो इनका नाम है फोर अननोन, इट इज़ नॉट जस्ट द नेम, इट इज़ दैट इमोशन जो इनको अपने डिप्रेशन से बाहर लाया। बहुत मुश्किल होता है एक खिलाड़ी के लिए कि इंडिया का नंबर वन यूट्यूबर उनके साथ था। हो सकता है आज जहाँ टोटल गेमिंग है वहाँ टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स की जगह अज्जू भाई की टीम ये होती अगर इनके ऊपर वो गलत इल्ज़ाम ना लगते। बट गाइज दुनिया गोल है, और अगर आप देखो तो यहाँ पे न जाने कितने मेजर टूर्नामेंट्स, बैटल अरीना हो, टाइटन कप हो या क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, हर जगह यहाँ पे फोर अननोन ने अपने नाम का परचम लहराया। और आनंद और स्वस्तिक को आज हम सबसे वेल मेंटेन्ड एंड कंसिस्टेंट ईस्पोर्ट्स प्लेयर के अलावा चैंपियंस के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट अपडेट है लिडोमा एशिया इन्विटेशनल से। तो ग्रैंड फिनाले डे टू के बाद टॉप पर एनजीएक्स, सेकंड पे इरिना एंड थर्ड पोजीशन पे है एसईएस। अगली अपडेट है रोनित की तरफ से। तो ईस्पोर्ट्स यूनाइटेड इंडिया ने रोनित को अपने रोस्टर में शामिल कर लिया है, सो रोनित को बड़ा वाला कांग्रेचुलेशंस। अब हम बढ़ते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है नॉलेज चेक। कल वाले क्वेश्चन का आंसर था पराक्रम दिवस होता है 23 जनवरी को, और आज बताना है सेल्फ मेड बिलियनर्स वुमेन में इंडिया में कौन टॉप पे है। अगली अपडेट है किलर के बारे में। तो कल किलर और द माफियास का संगम हुआ और सभी फैंस के मन की मुराद भी पूरी हो गई। आज किलर जो है खेलने वाले माफिया के साथ में, और आती जो जुगलबंदी दिखाई, क्योंकि अब तक ये आपस में मतलब एक दूसरे अगेंस्ट खेलते हुए हैं, आज ये साथ में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो फैंस भी मेरे ख्याल से काफी खुश होने वाले, क्योंकि आज किलर और माफिया का जो मिलन हो रहा है यहाँ पर, और जिस हिसाब से खेल रहे हैं आई थिंक कितने किल सिक्योर किए ये देखने बात होगी। एक किल हमें माफिया वाले के खाते में देखने को मिल रहा है, लेफ्ट साइड पर होने वाले योगी इनको डेमेज पहुंचाएंगे, और यहाँ पे योगी को तो नॉकआउट कर लिया बट किलर डैमेज होने वाले हैं, और इसी का फायदा उठाकर यहाँ पे कहीं कहीं सामने वाली टीम ने रश लगाने की कोशिश कर दी है। जैसा मैंने कहा था ओपीएक्स के प्लेयर जो है वो अहम रोल निभाएंगे। अब जो फाइट 2v4 होने वाली है, किलर का यहाँ पे मैं क्लच निकालते नजर आएंगे। वुड पैकर 4 के लिए यहाँ पे किलर के खाते में मिलने वाले शानदार है जो मिलने वाले हैं। जो किलर अगर यहाँ पे चले एक दो प्लेयर अगर किलर ने नॉकआउट कर लिए तो बाकी माफे वाला और किलर की जुगलबंदी वाली वो काफी शानदार होने वाली है। आप इसके तुरंत कैसे कवर देते हो आ रहे, एक प्लेयर कंटिन्यू हेड थ्रो कर रहे, एक प्लेयर रिवाइव दे रहे हैं, और एक और हेडशॉट यहां पर मतलब किलर जो लाल नंबर हमें देखने को मिल रहा है काफी शानदार, किल को कंफर्म करेंगे। फाइट जो है 2v3 बची है और एक और हेडशॉट हमें देखने को मिला, लेकिन यहां पर किलर नॉकआउट हो चुके हैं। किलर जिस हिसाब से खेलते हुए नजर आए काफी शानदार, माफिया वाला भी हेडशॉट कनेक्ट करते हुए नजर आए, तो आज माफिया काफी लाल लाल मारते हुए नजर आ रही है। नेक्स्ट अपडेट है वासियों के बारे में। तो फौजी भाई ने वासियों के प्रो गेम प्ले पे कमेंट्री की है। अरे जोड़ भाई, अरे जोड़ वासियों दो हेडशॉट उठ पैकर के, अरे ये नहीं लाल, अबे खतरनाक लाल। अब भारत अगले सेक्शन पे जिसका नाम है टॉप प्ले ऑफ द डे। आज का पहला टॉप प्ले इको इको का, जिन्होंने वीब्रोस को 1v4 किया है। तो डेफिनेटली वो चीज को फेस कर रहे होंगे, और ओपेक्स जो पूरी चढ़ाई कर रही है, और ऊपर आप उसके दो प्लेयर में रिवाइव होते नजर आ रहे हैं, और बिना फालतू के बस कोई फ्री के किल्स होते हैं जो प्लेयर्स बहुत इजी तरीके से ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत स्लो में उतर सकते हैं, बुलेट्स बहुत इजीली कनेक्ट करते हैं प्लेयर्स के ऊपर, आप उनको नो को फिनिश भी कर सकते हो। यहाँ पे वी ब्रोस के ऊपर हमला, सुप्रीम को टेकडाउन कर लिया गया, ऊपर से डाई कर रही है ओपेक्स, तो वी ब्रोस को भी संभल के खेलना पड़ेगा यहाँ से। बिल्कुल
देखिए सबसे बड़ी बात ये चार टीमें एलिमिनेट हो गई और आप ग्रैंड फाइनल देख रहे हैं डे टू, इट्स नॉट अ फाइनल डे, आपके पास अभी भी दिन बचे हैं, बट फिर भी आप कंपटीशन देखो कितना ज्यादा टफ देखने को मिल रहा है क्योंकि, और जो चीज आपने बोली सबका साथ सबका विकास, नो डाउट। पहले स्पाइट की बात कर लेते हो, पैरेक्स ने आपने नॉक जीरो निकाले, योगी ने एक बार फिर से डोमिनेट किया, एक्को एक्को तीन किल्स निकालते हो देखने को मिलेंगे, लेकिन पैरेक्स बीटिंग में दो खिलाड़ी, दो अहम खिलाड़ियों को गवा चुके हैं इस फाइट में और इस एरिया को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहेंगे क्योंकि इट्स अ रिफाइनरी और सर्कल यहाँ पे चांसेस रहते बनने का। एक और खिलाड़ी को वी ब्रोस को डाउन किया जाएगा, वी ब्रोस के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा अभी के लिए फिलहाल, जो पैरेक्स पूरी तरीके से हावी होना चाहती है ना, उसके आखिरी खिलाड़ी को भी डाउन कर पाएगी, रोहित को भी नॉक कर दिया गया, रोहित को भी बाहर किया जाएगा, एको एको बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन अभी के लिए खिलाड़ी। अगला टॉप प्लेयर आज थक्का जिन्होंने टीएम को 1v3 किया है। पुश करो पुश करो पुश करो, अरे मुझे पता था ना हेड लग जाएगा इसलिए मैंने ट्राई किया जी। अरे लॉन्डे एक ही जा रहा है, 150 मतलब तूने मारा ना 150 नॉक है और एक क्या तो नहीं रहेगा। बढ़िया बे, बहुत बढ़िया, खत्म आगे को मार रहा है। और हमारा लास्ट पार्ट है क्रेडिट्स का, तो आज की वीडियो बनाने में हेल्प की मेरे कुछ भाइयों ने जिनका नाम है सुमित, जुवेल, गेमर बोर्ड, सुजोय, ईशान और सयन राधे, थैंक यू सो मच गाइस। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलो हम मिलेंगे एक शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।